Hello dear students, how are you all? Good morning to all of you. And students, today we are going to discuss about the addition by counting forward. क्या करने जा रहे हैं हम? Addition by counting forward. यानी आपके पास एक है. Yes, number line होगी. क्या है ये? Number line किया था ना previous chapter में. अब वहाँ पर क्या था? हमने 10 तक number line की थी. अब हम कहाँ से आगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब ये क्या आ गई? 20 तक आ गई ना. ओके स्टूडेंट, तो ये मेरे पास हो गया कि हमें क्या करना है, ऐड करना है 6 एंड 5. हमारा फर्स्ट सम क्या है? 6 एंड 5 को हमने ऐड करना है. और ये क्या है हमारी? नंबर लाइन. क्या है ये? नंबर लाइन. क्या कहते हैं इसे? नंबर लाइन. यस. अब मेरे पास देखो क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन, यस यस यस, डू विद मी, ऐड 6 एंड 5. तो आपने क्या करना है? 6 को माइंड में रखना है. 6 को कहां पे रखना है? माइंड में. ओके, सो यस, 6 इन द माइंड. वेयर इज 6? मार्क कर लिया मैंने. 6 को माइंड में रख लिया. ओके, तो ये रहा मेरा 6, कर लिया मैंने मार्क. अब मेरे को क्या करना है? ऐड करना है 5. तो मैंने 5 को काउंटिंग फॉरवर्ड किया. 6 मेरे माइंड में है, 5 मेरे को काउंटिंग फॉरवर्ड करना है. यस, आफ्टर दैट 6, 7, 8, 9, 10, 11. इट मींस 6 प्लस 5 इक्वल टू 11. अब इसको चेक आउट करते हैं. हमने क्या किया? 6 प्लस 5 इक्वल टू 11 आया ना. तो चेक आउट, 6, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, बट वी विल गेट 11. It means our answer is right. Okay student, so 6 plus 5 equal to 11. Okay, तो ये आपका हो गया ना. 6 आपने कहाँ रखा? माइंड में. 5 आपने क्या किया? ये 5 है, 1 2 3 4 5. 5 को आपने काउंटिंग फॉरवर्ड किया. 6 के बाद क्या आएगा? आफ्टर दैट 6, यस, व्हाट विल कम? 6, 7, 8, 9, 10, 11. It means 6 plus 5, 11. 6, after that 5 jump हमने लिए. 1 jump, 2, 3 jump, 4 jump, 5 jump. And the answer is 11. Of the student, yes, do the second sum. Add 8 and 12. अब विच वन इज ग्रेटर? 8, तो 12, सॉरी, कौन ग्रेटर है यहाँ पर? एड 8 एंड 12. क्या लिखा हुआ है? 8 एंड 12. विच वन इज ग्रेटर, 8 और 12? यस यस यस, टेल मी, 12. यस, अब मेरे पास 12 है. अब 12 ग्रेटर है, उसको कहाँ रखेंगे हम? माइंड में. माइंड में रखो तो 12, आफ्टर दैट कितना काउंट करना है? 8 ना, तो फिंगर्स काउंट करो पहले. 1 2 3 4 5 6 7 8. It means this is 8. Okay student, this is 8. अब 12 मेरे mind में है. 12 के बाद क्या आएगा? After that what will come? Yes yes yes, tell me. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. It means 12 plus 8, 20. अब इसके साथ करें, यस, काउंट इट. यस यस स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे? यस, 12 को मार्क करेंगे. ओके, सो आओ करें. वेयर इज 12? दिस वन. ये क्या है? 12. अब मेरे को कितनी जंप लेने हैं? 8 फॉरवर्ड. यस, कितनी जंप? 8. तो जंप फॉरवर्ड करें. 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, 6 जंप, 7 जंप, 8 jump. And what is our answer? 20. And वैसे भी हमने क्या किया था? 8 plus 12,
20 किया था ना, 12 को माइंड में रखा था और 8 को ऐड करना था, तो 12 प्लस 8 क्या हुआ, 20. इट मींस यस 12 प्लस 8 इज 20. ओके स्टूडेंट, ये मेरा आंसर आ गया. आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. आज आपने क्या करना है, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों नंबर्स को ऐड करना है. ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.